स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.1 का 8 सम करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान सम है, बहुत ही प्यारा सम। देखते हैं सम क्या कहता है। सम कहता है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है मतलब पुतला है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर की। स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ पेडिस्टियल, वो पेडिस्टियल है जिसपे वो खड़ा हुआ है, ठीक है, स्टैचू रखा हुआ है। उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड के पॉइंट से, एक ग्राउंड के पॉइंट से है ना, बनता क्या करता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप को देखता है, एंगल कितना बना आता है 60 डिग्री। उसका फ्रॉम द सेम पॉइंट, वहीं पे खड़े खड़े क्या करता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, और पेडिस्टल के टॉप को देखता है तो एंगल बनाता है 40 डिग्री। कहता फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, जिसके ऊपर पुतला खड़ा किया गया है उसकी हाइट बताओ। चलो स्टेटमेंट पढ़ी हमने, थोड़ा बहुत समझ में आया, आप पूरा समझ लेते हैं। मान लो ये पेडिस्टल है, ये क्या है, पेडिस्टल है जिसके ऊपर पुतला खड़ा है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक पेडिस्टल है इसके ऊपर पुतला हमारे पास खड़ा है, ठीक है। अब ये पुतला है इसके ऊपर ये पॉइंट ए मान लेते हैं और ए पॉइंट बी मान लेते हैं पेडिस्टल का, और ये पॉइंट सी मान लेते हैं। जो बी सी है वो पुतला है, जो ए बी है वो पेडिस्टल है, ये ग्राउंड है, ये क्या है आपके पास, ग्राउंड है। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, यहां से क्या करता है वो पेडिस्टल के टॉप को देखता है, सॉरी ये पुतले के टॉप को देखता है, क्या देखता है, ये पुतले को टॉप को देखता है, और कितना एंगल बनाता है, ये एंगल कितना बनाता है 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद इसके टॉप को देखता है, ये पेडिस्टल है, ये पुतला है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये स्टैचू है बीसी, जो स्टैचू है स्टैचू के टॉप को देखता है तो 60 डिग्री एंगल बनाता है। जब इस पेडिस्टियल जो है इसके टॉप को देखता है यहाँ पे, तब कितना एंगल बनाता है 45 डिग्री। अब किसको देख रहा है, इसको देख रहा है, तो जो एंगल अब बना रहा है कितना बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है। और बीसी की जो स्टैचू की हाइट दे रखी है, टॉल देख रही है, वो कितनी है 1.6 मीटर, ठीक है। ये पॉइंट बी माना, ए ये बी ये सी और ये मान लेते हैं हम लोग डी। इतनी बात समझ में आ गई, स्टेटमेंट समझ में आ गई, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो हम लिखते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन में पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास स्टैचू की हाइट गिवन है, टॉल कितना है, तो मतलब हमें बीसी पता है, बीसी कितना हमारे पास 1.6 मीटर, ठीक है। और जो ए बी है बच्चों, वो हम मान लेते हैं एक्स, हमें नहीं पता है स्टैचू की हाइट, हमने ये पेडिस्टल की हाइट हमने निकालनी है, और इसको बेस को भी नहीं पता हमें, ग्राउंड की कितनी दूरी से हम लोग देख रहे हैं इस एंगल को, इस हाइट को, तो हम ये भी नहीं पता, इसको मैं मान लेता हूँ वाई, ठीक है। अब लिख लेते हैं, जो हमारे पास ए बी है, ए बी हमारे पास एक्स ले लिया मैंने, उसके बाद डी ए मैंने क्या ले लिया, वाई ले लिया, ये डी ए मैंने वाई मान लिया, ए बी को मैंने एक्स मान लिया। अब क्या करता हूँ, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल लेता हूँ मैं ए डी बी, क्या लेता हूँ ए डी बी लेता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर जो एंगल डी है वो कितना है, एंगल ए डी बी कितना हमारे पास 45 डिग्री, इस छोटे के लिए जो एंगल हमारे पास कितना है 45 डिग्री है। उसके बाद इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी बड़ा ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें हम लोग एंगल की बात करें तो जो इसमें एंगल लिया गया है एंगल सी डी ए, इसमें जो एंगल डी है कितना है हमारे पास 60 डिग्री हमारे पास गिवन है, ये चीज हमने लिख ली। चलो पहले हम छोटे ट्राइंगल को प्रूफ करते हैं फिर बड़े पे आते हैं, ठीक है। छोटे ट्राइंगल की बात करें तो इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं, चलो लगा लेते हैं ए बी ओवर ए डी, ए बी ओवर ए डी, ठीक है। तो ए बी क्या है हमारे पास यहाँ पे, ए बी क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाली लाइन क्या होती है परपेंडिकुलर, तो ये क्या है ए डी हमारे पास, ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ए डी जिस पे एंगल होता है वो क्या होता है बेस, तो ए डी क्या हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, देखें ये पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर भोले, ये देखो पी ओवर एच, बी ओवर एच, पी ओवर बी, तो ये पी ओवर बी है, इसको कहते हैं साइन, इसको पढ़ते हैं कोस, इसको पढ़ते हैं टेन, टेन क्या होता है पी ओवर बी, पी ओवर बी टेन, तो पी ओवर बी क्या होता है टेन थीटा, तो ये हमारे पास आ गया टेन थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या करते हैं, ए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास एक्स, देखो ए बी कितना हमारे पास, ए बी कितना एक्स,
AD कितना हमारे पास y और tan थीटा इक्वल टू tan थीटा कितना हमारे पास यहां पे 40 डिग्री सॉरी 45 डिग्री। अब 45 पे tan 45 की वैल्यू देखें, चलो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है यहां पे देखो 1, tan 45 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहां पे 1, तो x ओवर y इज इक्वल टू 1 बन गया हमारे पास, तो x इज इक्वल टू y यहां पे क्या आ गया हमारे पास, जो x है मतलब वो y के क्या है बराबर है, ठीक है। अब समझ में आ गई, जितनी इस पेरिस्टियल की हाइट है उतनी ही दूरी से वो बंदा उसको देख रहा है, आगे समझ में, मतलब जो AB है वो किसके बराबर हो गया, AD के बराबर हो गया, ये हमें यहां से पता लग गया। सेकंड सम यहां सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सेकंड मतलब सेकंड पार्ट। चलो अब बड़ा ट्राइंगल का हम लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADC, क्या है ADC, ट्राइंगल ADC ले लिए, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है AC ओवर AD, ठीक है, ये AC ओवर AD। तो AC क्या हमारे पास यहां पे एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और बच्चों AD क्या हमारे पास यहां पे बेस, नीचे बेस ही होता है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस होता है tan थीटा, क्या होता है ये भी tan थीटा होता है, ठीक है। अब AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AC की वैल्यू कितनी है 1.6, AC की वैल्यू कितनी है 1.6 प्लस x, 1.6 प्लस x, देखो बच्चे जो ये AC है ये पूरी लेंथ क्या है 1.6 इतनी है और x इतनी निकाली हमने, x प्लस 1.6 कर देंगे तो AC बन जाता है ना, तो AC को मैंने 1.6 प्लस x लिख लिया यहां पे, ठीक है। उसके बाद अपॉन AD, AD के तो मेरे पास y, y किसके बराबर है x के बराबर है, y किसके बराबर है x के बराबर है, तो मैं y को क्या लिख सकता हूं x, ठीक है, तो यहां पे मैंने y को क्या लिख दिया x लिख दिया, इतनी बात तो क्लियर है। अब क्या है इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा कितना यहां पे 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखो यहां पे 60 ये रहा tan ये रहा, मतलब अंडर रूट 3, कितना है अंडर रूट 3, तो 1.6 प्लस x ओवर x इक्वल टू अंडर रूट 3, ये बात समझ में आती है। अब क्या बन जाएगा 1.6 प्लस x इक्वल टू जो x है ये चला जाएगा, मतलब अंडर रूट 3x, इतनी बात समझ में आ गई, ये स्टेटमेंट बन गई, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, सिंपली ये x को उधर ले जाते हैं, 1.6 इज इक्वल टू अंडर रूट 3x, ये x उधर जाएगा क्या होगा माइनस का x हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, x को यहाँ पे कॉमन निकाल लूँ, ये 1.6 इधर ही रहने दिया मैंने, ये वाला एज इट इज इक्वल टू x इसमें भी है x इसमें भी है, तो x को मैंने क्या कर दिया कॉमन निकाल दिया, जब मैंने x को कॉमन निकाला अंदर बचा क्या यहाँ पे अंडर रूट 3 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1, ये बात समझ में आ गई। अब देखो क्या करना है, 1.6 इज इक्वल टू x अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7 और माइनस का 1, इतनी बात क्लियर है, ठीक है, ब्रैकेट ठीक है कॉमा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में क्या करना है सिंपली वैल्यू रख दो 1.6 इज इक्वल टू x, 1.7 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आता हमारे पास 0.7 आ गया, 0.7 ठीक है, ये 0.7 आ गया हमारे पास। अब देखो क्या करना है, 0.7 को इधर नीचे ले आते हैं, 1.6 क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.7 इज इक्वल टू x, ठीक है, ये पॉइंट ये पॉइंट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या बन गई 16/7 इज इक्वल टू x आ गया हमारे पास। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 16 को अंदर रखा 7 से डिवाइड किया, देखो कितना आ गया 7 × 2 = 14, हाथ लाया 3 ठीक है नहीं 2, उसका पॉइंट उसका 0, 7 × 2 = 14 मतलब अराउंड हमारे पास कितना आ गया 2.2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2.2, मतलब जो पेडिस्टल की हाइट है बच्चे वो कितनी आ गई 2.2 मीटर, आगे बात समझ में। तो यहाँ कैसे लिखोगे, आंसर लिखो द हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज 2.2 मीटर, कितना लिखोगे 2.2 मीटर, ये हमारा क्या है आंसर।